नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो देख सकते हैं मेरे हाथ में क्या है, तो देख सकते हैं घर में कोई भी आ सकता है, फिर भी मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। तो देख सकते हैं मेरे हाथ में क्या है, आज हम खुद ही अपना दाल फ्राई करने जा रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे सारे सामान कट चुके हैं, और कटने के बाद अब इसको हम इस कढ़ाई में इसको हम चलेंगे फ्राई करने। तो आपको दिखाते हैं किस तरह से फ्राई होता है सामान। तो चलिए, तो ये रहा जीरा, जीरे को हम इसमें डालेंगे, काफी गर्म है, जीरा डाल देंगे। जीरा पड़ गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा इंडिकेटर जो है काफी बन गया है। तो देखिए दाल फ्राई बना रहे हैं, इसमें डाल दो, गैस को मीडियम कर लेते हैं। इसको भूनते हैं पहले। ये रहा साल्ट, और इसको आप नमक भी कहते हैं। इसको थोड़ा सा इसमें डाल देते हैं जिससे कि प्याज जले ना। गरीबों का दाल फ्राई आप देख सकती हैं, तो मैं बनाने जा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं इसको पका रहे हैं, बकायदा इसको जब तक ये लाल ना हो जाए इसको ऐसे ही चलाते रहना है, भूनते रहना है, और उसमें कुछ मसाले भी ऐड करेंगे। उसके बाद आपको दाल फ्राई दिखाएंगे किस तरह से बना। हमारा ये दाल जो है यहाँ पे है, ये दाल है। तो इस ब्लॉग में हम आपको दाल बनाना सिखा रहे हैं, देखते हैं जो मैं अपने तरीके से बनाता हूँ, आप भी बना के खाइएगा। तो दाल मसाले प्लस इसलिए नहीं चला रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा इसमें क्वालिटी की चीज़ें होती है। मसाला आप अपने अनुसार मसालों का यूज कर सकते हैं। तो देख सकते हैं इसको ढक दिया है हमने 2 मिनट के लिए, जिससे कि ये अच्छे से बाहर से पक जाए। तो देखते हैं यहाँ भाई, तो यहाँ पे हमने मसाला भी ऐड कर दिया है, यहाँ देख सकते हैं काफ़ी अच्छा भुना हुआ है। और इसमें हम दाल को इसमें ऐड करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे दाल ऐड हो गया है, दाल चिकन हो गया है। चलिए अभी ये तो तैयार हो गया। तो ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए इसको अब हम खाएंगे, तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।
तो ऐसे ही जुड़े रहें हमारे साथ।